Hello students, this is a video of class 4th and 5th. Today we will discuss about chapter 5, that is types of houses, मकान के प्रकार. देखिए बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें क्या चाहिए, एक घर चाहिए रहने के लिए. इसके अलावा हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि हमें सर्दी और गर्मी से बचने के लिए क्लोथ्स की जरूरत होती है, लेकिन इसके अलावा हमें और प्रोटेक्शन के लिए एक हाउस की जरूरत भी होती है जिसमें हम रह सकते हैं. ओके, अब देखिए, इधर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेरी, सेकेंड इज परमानेंट. टेम्परेरी हाउस को हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं और परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस भी बोलते हैं. देखिए पिक्चर में, दिस इज अ पक्का हाउस. ये क्या है? पक्का हाउस है. और ये क्या है? कच्चा हाउस. अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. टेम्परेरी हाउस, ठीक है, टेम्परेरी हाउस क्या होता है? अ कच्चा हाउस इज मेड विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, वुड, लीव्स, मड, स्ट्रो, थैच एक्सेट्रा. कच्चा हाउस होता है जो किन से मिलकर बना होता है, किस चीज से बना होता है? लकड़ी से या बैम्बू से, पत्तों से, लकड़ियों से, ठीक है, इन सब से मिलकर बना होता है. और इसमें जो मेटेरियल यूज होता है वो बहुत ही चीप होता है, थोड़ा सस्ता मेटेरियल यूज होता है. जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो बिल्डिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या एक पक्का हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? टेम्परेरी हाउस को बिल्ड करते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर आए टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इस पिक्चर में देखिए आप, दिस इज अ हट. ये क्या है? हट. ये भी क्या है? कच्चा हाउस है. इसमें क्या होता है, जो लोग गांव में रहते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? हट्स बनाते हैं. और जो हट है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? मड, वुड एंड स्ट्रो, ठीक है, मिट्टी से, लकड़ी से और स्ट्रॉ से मिलकर बनी होती है. लेकिन जो हट होती है वो थोड़ी वीक होती है, अनसेफ भी है, इतनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती हमारी, सेफ्टी नहीं कर सकती. जैसे अगर ज्यादा बारिश वगैरह आ जाए तो वो गिर भी सकती है, क्योंकि इसमें जो मेटेरियल यूज होता है बनाने के लिए वो बहुत ही कमजोर सा होता है. वुडन हाउस, अब देखिए, लकड़ी का घर. वुड क्या होता है? लकड़ी. तो ये जो हाउसेस हैं वो किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं. ये इनका जो वेट है वो क्या होता है? बहुत ही लाइट होता है, हल्के होते हैं ये. और ये मोस्टली उन एरियाज में, उन जगह पर बनाए जाते हैं जो अर्थक्वेक्स प्रोन एरियाज हैं, जैसे कि जापान, मतलब जहां पे भूकंप आने की आशंका ज्यादा होती है वहां पर ये बनाए जाते हैं. लेकिन ये हाउस भी इतने सेफ नहीं होते जो हमें चोर से या फिर हमें नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनसे बचा सके, जो प्राकृतिक चीज जैसे कि बाढ़ आ जाए, इन चीजों से बचाने की शक्ति में इतनी नहीं होती. उसके बाद आते हैं टेंट्स. टेंट्स क्या होता है? ये देखिए पिक्चर में बिल्कुल, ठीक है, ये टेंट्स कुछ लोग बनाते हैं जिनको एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहना है, जो एक जगह पर स्टे नहीं करते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह पर रहते हैं अपने काम के लिए, तो वो टेंट का जो है वो बिल्ड करते हैं टेंट को, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और आराम से रह भी सके. मेनली जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? अपने ट्रैवलिंग के लिए इनका यूज करते हैं. जो टेंट है वो मूवेबल हाउस है, इजी टू कैरी. ये क्या है? एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर जाया जा सकता है. और ये हमें गर्मी और सर्दी से और रेन से एक थोड़े ही समय तक बचा सकता है, ज्यादा टाइम तक नहीं बचा सकता. नेचुरल हाउस, अब देखिए नेचुरल हाउस कौन से होते हैं पिक्चर में देखिए. मड हाउस, ठीक है, ये बिल्कुल ही मिट्टी का हाउस बना हुआ है. नेचुरल हाउस जो है वो थोड़े थोड़े हट के जैसे ही होते हैं. ये भी किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने हो सकते हैं, मड से बने हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉ से बने हो सकते हैं, लेकिन ये सेफ बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ही कमजोर होते हैं. ये देखिए बिल्कुल हाउसेस आराम से टूट सकते हैं अगर ज्यादा रेनफॉल हो, ठीक है, या ज्यादा हवा आए इस तरीके से. उसके बाद हाउस बोट. हाउस बोट, अ फ्लोटिंग हाउस इज कॉल्ड हाउस बोट. ठीक है, आप देखिए पिक्चर में यहाँ पे ये रहा ये हाउस बोट, ठीक है, ये मेनली उन एरियाज में बनाया जाता है जैसे कि
टूरिस्ट जो होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए आते हैं, शहरों को देखने के लिए आते हैं। जैसे कि कश्मीर, मेनली कश्मीर में ये बनाए जाते हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि जो है कहाँ पे, और मेनली कश्मीर में भी कहाँ पाए जाते हैं, ये लेक्स ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की झीलें हैं उनके यहाँ पे पाए जाते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे बाहर से घूमने आते हैं वो इन घरों में रहते हैं और आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। जैसे कि बीच में ये हाउस है, हाउस बोट है, इसके चारों तरफ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और ये एक होटल का पर्पस सर्व करता है, जैसे कि इसके अंदर ही वहां पे खाना वाना सब कुछ हम है, तो एक घर का ही पर्पस ये सॉल्व करता है। इसके बाद है कैरावन। कैरावन देखिए इसमें क्या है, ये भी टेम्परेरी हाउस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये होता है हाउस ऑन व्हील्स, जो कि इसमें क्या होता है, ये व्हील्स के ऊपर बना हुआ हाउस होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर जा सकते हैं। इनको मेनली कौन यूज करते हैं, जो सर्कस वाले लोग होते हैं, जैसे कि एक बार उन्होंने यहाँ पे शो किया उसके बाद उनको कहीं और जाना होता है, इसमें वो अपना लगेज रखते हैं और एक जगह दूसरी जगह आराम से व्हील्स के थ्रू जा सकते हैं। इग्लू, इग्लू क्या होता है, हाउस ऑफ स्नो, ठीक है। ये बर्फ से बना हुआ घर होता है, इट इज बिल्ट बाय एस्किमोज, एस्किमोज इसको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स ऑफ स्नो। ये बर्फ की ईंटों से बना हुआ घर है, पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, इसकी शेप हाफ ग्लोब टाइप होती है, जैसे उल्टा जो यू होता है इस टाइप की शेप होती है, हाफ ग्लोब टाइप बोल सकते हैं, और ये पूरा बर्फ का बना होता है। परमानेंट हाउस मतलब पक्के हाउसेस, जो बिल्कुल पक्के घर होते हैं, ठीक है। ये जो है किससे मिलकर बने होते हैं, ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से और मेटल से, धातुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसके अंदर जो है मिट्टी का मिक्सचर भी मिलाया जाता है। जितने भी मटेरियल्स जैसे जो सीमेंट से मिलके हैं या ईंट से मिलकर बने होते हैं घर, जो जल्दी से टूट भी नहीं सकते, बिल्कुल सेफ्टी रखते हैं, प्रोटेक्शन रखते हैं, स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे लिए मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउसेस बोलते हैं। और पक्का हाउस जो है आराम से हैवी रेन को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, और ये हमें चोर से या जानवरों से, ठीक है, डाकुओं से, इनसे आराम से बचा सकता है। ये देखिए पिक्चर, परमानेंट हाउसेस, टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस, ठीक है। पक्का हाउसेस के हम टाइप पढ़ेंगे, सबसे पहले है सिंपल परमानेंट हाउस। ये देखिए सिंपल परमानेंट हाउस क्या होता है, ये मेनली कंक्रीट से, स्टील से या फिर टाइल्स से मिलकर बना होता है, और ये है बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, मतलब कि ज्यादा कमरे नहीं होते सिंपल परमानेंट हाउस में, थोड़े बहुत दो या तीन कमरे ही होते हैं। उसके बाद चॉल, चॉल क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरी स्मॉल हाउसेज ऑफ वन रूम, ठीक है। एक रूम के बहुत सारे हाउसेज होते हैं और एक दूसरे से एक रूम में लिंक्ड होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है बहुत सारी जो जनसंख्या वाली सिटीज हैं, बहुत सारे जहां पे जिन शहरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वो इनको बनाते हैं। फ्लैट्स, ये देखिए फ्लैट्स पिक्चर में देखे होंगे आपने अपने आसपास, फ्लैट्स रेफर टू सेवरल हाउसेस अटैच टू ईच अदर इन अ सिंगल बिल्डिंग, ठीक है। फ्लैट्स जो है कुछ घरों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, एक सिंगल बिल्डिंग में बहुत सारे घर जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। और ये हमारी सेफ्टी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये उनसे सिंपल परमानेंट हाउस से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा महंगे होते हैं। बंगलोज, ये देखिए पिक्चर में बंगलोज, बहुत ही बड़े बड़े घर जहां पे सिर्फ एक फैमिली रहती है बहुत बड़े घर में। बंगलोज आर ग्रैंड, अट्रैक्टिव एंड हाईली एक्सपेंसिव हाउसेस, बहुत ही बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही महंगे भी
होते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस होता है रहने का, फैमिली के हर मेंबर के रहने का बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता है, अपना स्विमिंग पूल भी इसके अंदर होता है, लॉन्स भी अंदर ही होते हैं, कोर्टयार्ड भी अंदर ही होते हैं। कोर्टयार्ड क्या होते हैं? कोर्टयार्ड होते हैं आंगन, ठीक है, आंगन भी इसके अंदर ही होता है। शेप्स ऑफ रूफ्स, छतों के शेप्स अलग अलग होती हैं सब घरों की, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ हो सकती हैं। सबसे पहला फ्लैट रूफ, जो रूफ बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल सीधी हो एक तरीके से, देखिए आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे ये रही, बिल्कुल फ्लैट रूफ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूफ्स होती हैं, ठीक है, ये इजी टू वॉक, इसके अंदर हम आराम से इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद आता है स्लोपिंग रूफ, ये देखिए ये रही स्लोपिंग रूफ, जो रूफ होती हैं ये उन एरियाज में बनाई जाती हैं जहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश आती है या फिर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा बर्फ वहां पे पड़ती है, ताकि जो रूफ है इसके ऊपर जो रेनफॉल का वाटर है वो यहाँ पे कलेक्ट ना हो और वो जल्दी जल्दी इमिडिएटली क्या हो जाए, फ्लो आउट हो जाए। नेक्स्ट इज सेमी ग्लोबल रूफ, इस टाइप की रूफ्स इग्लूज की होती है, हमने देखा था बर्फ का घर, ये देखिए दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप के इग्लूज हमने देखे थे, और ये क्या है सेमी ग्लोबल रूफ, ठीक है, आधी जो है हमारा ग्लोब क्या होता है पूरा राउंड शेप में होता है, और ये है हाफ ग्लोबल शेप में जो रूफ है वो होती है इग्लूज की। ये रूफ भी अपने ऊपर क्या है बर्फ को या वाटर को कलेक्ट नहीं होने देती, इमिडिएटली जो है फ्लो आउट कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यू हैव टू रिवाइज इट ऑन योर होम। ओके, थैंक यू सो मच।